आप हमारे दर्शकों को पहले एक अपना गाना गुनगुना के सुनाइए ताकि उनको समझ में आए कि आप किस प्रकार का गाना गाते हैं। बीमारी ते धरो बोले हाँ दवाई के कराई पूरा गोइनी हम केहू से कम नहीं भइल बा हो। थोड़ा सा असली लय सर माफ करिएगा। नहीं वो करके ऐसे कुछ बोल है उसमें। जी जी सर वो थोड़ा हमारे दर्शकों को गा के सुना। ठीक है सर बिल्कुल। घूमी घूमी ते हूँ खूब बट तारे लाइन में खड़ा बड़े बाबू साहब पाड़े। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं ये आशीष अजनबी यादव जी हैं, जो भोजपुरी सिंगर है, भोजपुरी गायक हैं, भोजपुरी गाना गाते हैं, आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। आशीष जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आशीष जी जैसा कि अगर कहा जाए समाज में एक भोजपुरी को लेकर तरह तरह का सवाल उठता रहा है कि भोजपुरी में अगर कहा जाए अश्लील गाने जो होते हैं ज़्यादा बजाए जाते हैं, तो आपका जो अपना चैनल है या आप जो गाना गाते हैं भोजपुरी, तो आपका किस प्रकार का सॉन्ग होता है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जितने भी इस चैनल के माध्यम से मुझे जो लोग देख रहे हैं उन्हें दिल से धन्यवाद, और सर को भी धन्यवाद कि हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सबको प्रणाम है। तो सर रही बात गाने की, तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में बहुत ही अच्छे अच्छे गीतकार भी हैं और गायक भी हैं, सभी लोग अपनी अपनी छवियाँ दिखाते हैं। तो हमारे कहने के मुताबिक हमने भी गीत अश्लील कुछ गाए थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बदलता गया हमने भी अपना मतलब चेंजिंग उसके प्रति चेंजिंग करते गए। जैसे गीत में बहुत सारी गीत अश्लील हैं, ये नहीं कि हम अपना केवल बता रहे हैं कि हम ही अच्छा गाते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे भोजपुरी का नाम आता है जी सर, लोगों में एक दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि हो सकता है ये अश्लील ना हो, जैसे कि ये हम समाज की बात कर रहे हैं, ये हमारी आपकी बात नहीं, एक सामाजिक बात है। बिल्कुल सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपका जो गाना है किस प्रकार का है, और आप हमारे दर्शकों को पहले एक अपना गाना गुनगुना के सुनाइए ताकि उनको समझ में आए कि आप किस प्रकार का गाना गाते हैं। देखिए सर, फिलहाल तो हमने जो भी गाया उसकी बात अलग है, अब हमने नया शुरू किया है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का अश्लीलता हमें नहीं गाना है, कहीं से भी नहीं गाना है। अब हमारे दर्शकों को एक गाना चाहूँगा कि मेरे गुरु पिया मधुसूदन पांडे जी चौनकी से, इस समय मैं उन्हीं का लिखा हुआ गीत गा रहा हूँ। जो वो गाना लिखते हैं जी, गीत लिखते हैं, टी सीरीज के बहुत ही मशहूर राइटर हैं वो जी, थे और आज भी हैं जी। कोई ऐसा स्टार बाकी नहीं होगा इस भोजपुरी सिनेमा में जो उनका गीत न गाया हो, राधे श्याम रसिया के साथ ले दो, चाहे कल्पना जी हो, देवी जी हो, तमाम मधुबन पागल, अरविंद सिंह क्या बोलते अरविंद सिंह अभिनेता, विजेंद्र गिरी, बहुत सारे तमाम कमलेश देहाती, तमाम सिंगर हैं, मतलब हम नाम लेंगे तो कम ही पड़ेगा, इतने सारे व्यासों को गीत दिए हैं, जिसमें सो क्या बोलते मधुकर जी भी हैं, तो उनसे हम मिले हैं अभी हाल ही फिलहाल, मतलब साल भर से मतलब हम उनसे मिले, उनके छत्र छाया में रह रहे हैं, तो मतलब कुछ समाज में रह कर मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो भाई हमको एक गीत लिख कर दिए, बहुत ही अच्छा गीत, मैं एक लाइन सुना देता हूँ। बीमारी ते धरो बोले हाँ बीमारी ते धरो बोले हाँ दवाई के कराई रे, जखम दी जे दिलावा पे भूल बोलो ना भुलाई रे, बीमारी ते धरो बोले हाँ दवाई के कराई रे। ये उन किनका लिखा हुआ गीत आपने गुनगुनाया? पिया मधुसूदन पांडे जी। अच्छा एक चीज़ हमने आपके बारे में और सुना है, एक आपका कोई सॉन्ग था जो बहुत ही वायरल हुआ था, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो भी गुनगुना के सुनाइए ताकि ये समझ में आए कि आप किस प्रकार के और किस लेवल के सिंगर हैं। देखिए सर, एक बहुत पहले हमारा गीत आया था, सर्वप्रथम तो मेरा गीत जब आया था तो बहुत सारे लोग उसमें भी गाए थे, मेरा गीत सावन का बहुत अच्छा चला था, मतलब कई साल हो गया जो बजा था, जैसे कांवर कांवर लेके जाए, कांवर कांवर लेके जाए हम टेम्पू से, जैसे सावन भर नहाई नहीं टेम्पू से कांवर लेके जाए उसे टेम्पू से, बहुत ही अच्छा 1 मिलियन वो गीत गया था। दरअसल हम लोग को उस वक्त ज्ञान नहीं था, अभी हमारा चैनल भी नया नया था, तो वो
जो कंपनी का लेवल की जो कि थी टी सीरीज का ट्रैक था, उस समय क्रैको आता था, मतलब किसी के ट्रैक पर भी यूज करके गा सकता था, लेकिन वो गीत हमें उड़ाना पड़ा मुश्किल से 3-4 महीने बाद वो गीत। अच्छा, वो गीत जो आपके जेहन में है अभी, जी जी, तो वो थोड़ा सा गुनगुना के हमारे दर्शकों को सुना। देखिए, जो अवेलेबल गीत है अभी सुना सकते हैं, उस गीत को तो नहीं कह सकते, कहाँ से पब्लिक ढूंढेगी, तो हम झूठे साबित होंगे, इसलिए चाहेंगे जो गीत है उसे मैं सुनाता हूँ। ये गीत मेरा बहुत ही दमदार चला था, बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी किया था। वो गीत है ऐसे, गायंत्रा सिंह प्रियंका जी के साथ पहला सॉन्ग था हमारा, आरा गोर, अंतरा जी गाई थी, आरा गोर खपुर गईनी हमऊ केहू से कम नहीं भइल बाहू, थोड़ा सा असली लय सब माफ करिएगा, नहीं वो चलिए वो आरा गोर खपुर गईनी हमऊ केहू से कम नहीं भइल बाहू, आ मेरा घर है बंगाल मेरा गाल लाल लाल, ओ मेरा घर है बंगाल मेरा गाल लाल लाल, ऐसी वैसी जगह मैं पली नहीं, हमारा लाइन है, अरे जैसी कोई गली नहीं जहाँ यादव जी की चली नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ यादव जी की चली नहीं। ये किसका लिखा हुआ गीत आपने गुनगुनाया? ये गीत सर गोलू गुमसुम लिखे थे और हम गाए थे क्रांति म्यूजिक से, और उस वक्त कई सारा बहुत सारा व्यूज भी गया था। अच्छा, तो आप लोग की तो एक टीम होगी, टीम मेंबर कौन कौन है थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए सर, हमारे प्रोड्यूसर राजेश पासवान जी मधुबन घोसी से हैं, और हमारे गीतकार पिया मसूदन जी गुरु जी हमारे, और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जैसे हमारा दो चैनल चलता है सर, चॉकलेट म्यूजिक भोजपुरी और लैंड माइंस कॉमेडी, तो कॉमेडी भी हम करते हैं क्योंकि शुरू से हम कॉमेडी ही करते थे और गीत भी गाते थे साथ में ही, दोनों काम होता था। तो कॉमेडी मेंबर्स में बहुत सारे हमारे टीम में लड़के हैं, जैसे राइटर भी एक लड़का है जो काम भी करता है, आर्यन राजा है, साहिल दीवाना करके एक लड़का है, सिंटू भाई है, जो डिजिटल मेरा समझता है विनीत कुमार, विनीत कुशवाहा वो भी है, और एक लड़का और है विवेक, विवेक करके एक लड़का भी है, वैसे ही मतलब बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल वो लोग तो नहीं, आप लोग ने अचानक इंटरव्यू कर दिया है तो नहीं। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानने के लिए इच्छुक होंगे, जी सर, कि आपका जो है कौन सा, आप किस प्लेटफॉर्म के इंसान हैं? जैसे आपने बताया कि हम भोजपुरी गाने सिंगिंग भी करते हैं और कॉमेडी भी बनाते हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, कॉमेडी में या सिंगिंग? देखिए सर, हम तो हमारा शुरू से इंटरेस्ट गाने में रहा है, जो हमारे साथ टीम में काम करते हैं उन लोगों का कहना था कि भैया मुझे चैनल आप बना कर दीजिए और हम लोग कॉमेडी भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप काम करिएगा, तो उन जो हमारे टीम मेंबर्स हैं हम उनके लिए यह चैनल बनाए हैं, अपने लिए नहीं, ताकि उन लोगों के लिए मैं चैनल बनाया हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम उनको भी देता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम अपने। एक आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि एक आपका सॉन्ग है यादव जी करके, ऐसे कुछ बोल है उसमें, जी जी सर, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को गा के सुना। ठीक है सर, बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत ही अच्छा प्यारा गीत है, उस गीत की लाइन से बहुत ही अच्छी लाइन है, घूमी घूमी ते हूँ खूब बट तारे, लाइन में खड़ा बड़े बाबू साह पाड़े, घूमी घूमी ते हूँ खूब बट तारे, लाइन में खड़ा बड़े बाबू साह पाड़े, लग तब दुनिया पलट जाई कहरे, अरे यही रखे देवे तो घट जाई कहरे, यादव जी कह देवे तो घट जाई कहरे, यही गीत है सर। तो ये आप देख रहे थे, ये हम आपको बता दें, आशीष अजनबी यादव जी हैं जो कि भोजपुरी सिंगर हैं, और हम आपको बता दें कि देवरिया जिले के ही हैं, और इनका भी एक अपना चैनल है जो कि इन्होंने खुद आपको बताया है, और हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अभी। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा अपने सारे दर्शकों से, चाहे आपके भी दर्शक जो हमारे दर्शक हैं, आपके ही दर्शक हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, और अच्छे अच्छे भैया बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरव्यू लेते हैं, इनका जवाब नहीं है, और अभी तक बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, अब नाम नहीं गिना सकते हैं क्योंकि नाम गिनाएंगे तो कम पड़ेगा, इसलिए भैया को तहे दिल से धन्यवाद जो कि हमें यहाँ पर बुलाए, और जिनके भी जो भी टीम मेंबर, सबको दिल से धन्यवाद, इंद्रदेव सर हैं, हरशंकर सर हैं, पंकज सर हैं, सबको प्रणाम है, हर हर महादेव, नमस्कार, बाय।